सेकेंड क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? नहीं सर। सेकेंड का आंसर क्या है आपका? नन ऑफ द अबव हुआ या? आंसर क्या है? टू। सेकेंड का आंसर क्या है? फोर बाई टू। चलो ठीक है, एक मिनट लिख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था फोर का पावर, क्वेश्चन टू था आपका फोर का पावर 2n इज इक्वल टू 256। तो आपको n फाइंड आउट करना था, n इक्वल टू बराबर। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था सारे नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करो। तो आपने इसको लिखा होगा 2 का पावर 2, 2n इज इक्वल टू 256। 256 नहीं लिखना चाहिए था, 256 को लिखेंगे अपन 2 टू द पावर 8 बराबर। तो यहां पे रूल लगा लेंगे, कौन सा वाला? कौन सा रूल लगाएंगे भैया? ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एम एन। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 2n इज इक्वल टू 2 का पावर 8। अब क्या है, नंबर सेम है, दोनों के बेस सेम है, तो ऑब्वियसली दोनों के पावर्स भी सेम रहेंगी। 2 into 2n is equals to 8, 4n is equals to 8 and therefore n is equals to 8। आया क्या बेटा आंसर? सॉरी, n is equals to 2। आया क्या आंसर? अब क्या ऑप्शन क्या दिए है उसके अपने को? 2 तो दिया नहीं है, तो none of the above ले लेंगे। 4 by 2 दिया ना था। अच्छा 4 by 2 दिया है, C ऑप्शन आ जाएगा फिर आपका। आंसर रहेगा आपका सी, 4/2। हाँ जी, हाँ सर, कोई दिक्कत इसमें? हाँ सर, हाँ जी सर। इंडाइसिस क्लास वर्क, ठीक है। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री आया? यस सर। क्वेश्चन थ्री बन गया है, क्वेश्चन थ्री बताओ क्या किया आपने? एक्स इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 1। तो खैर इन्होंने तो x पूछा है, अपन y बता देंगे इनको बाद में, थोड़ा ज्यादा दे देंगे गरीबों को। 3 का पावर x माइनस y इज इक्वल टू 27 एंड 3 की पावर x प्लस y इक्वल टू 243। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने जो सॉल्व किया होगा उससे थोड़ा अलग मैं सॉल्व करने वाला हूं। हाँ, तो आपको पूछा है एक्स की वैल्यू क्या है वो पूछा है, बट एग्जाम ये क्वेश्चन में एक्स पूछा है, हो सकता है एग्जाम में वाई पूछा रहे, तो हमको एक्स और वाई दोनों निकालने के हैं, क्योंकि अपन ये सॉल्व करना नहीं है, अपने को अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है फाउंडेशन की एग्जाम के वक्त जो भी क्वेश्चन आया अपने को उसको सॉल्व करना है। तो अभी ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और पहले सबसे पहले आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो मैं इसको कर देता हूं सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस। 3 की पावर x माइनस y इक्वल टू 3 का पावर 3। कोई दिक्कत है? नहीं। इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखता हूं 3 की पावर x प्लस y इक्वल टू 243। 243 को 3 के पावर में बताओ क्या आएगा? 3 की पावर 5। बढ़िया। अब क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला? दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, कौन सा? कौन सा फॉर्मूला? इफ ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर वाई देन एक्स इक्वल टू वाई बराबर। मतलब मेरे को मालूम पड़ गया देयरफॉर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 5। फिर क्या है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, दोनों को ऐड कर दो। भैया जिसने माइक चालू किया है बंद कर दो प्लीज। हाँ,
x माइनस वाई इक्वल टू थ्री, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, तो क्या कर देंगे y y कट जाएगा, 2x इक्वल टू एट, देयरफॉर x इक्वल टू फोर, और x इक्वल टू फोर है तो y इक्वल टू वन आ जाएगा। कैसे आएगा y इक्वल टू वन, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत क्वेश्चन थ्री में। चलिए क्वेश्चन फोर बताइए मेरे को, 27 क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन फोर बन गया आपसे। क्वेश्चन फोर नहीं बना, एक मिनट, नहीं नहीं ठीक है, जिनसे बन गया वो तो, अरे जिनसे बन गया उनकी अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना मेरे को तो सारे बच्चों को पढ़ाना है, जिनसे नहीं बना वो पूछेंगे। देखो मैं बता रहा, मैं आपकी हर डाउट सॉल्व करूंगा, बट गिवन अ कंडीशन दैट जो चीज मैं क्लास में बोल रहा हूं अगर आपको नहीं समझी तो क्लास में पूछ लो, क्योंकि फिर कैसे होता है लिंक टूट जाता है मेरा, क्लास में पूछ लो, शर्माने की बात नहीं है इसमें। बताओ मेरे को कोई एक फोन देना ना, 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 4 था ना, हाँ। अब बताओ क्या करेंगे इसमें, फोर को टू स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है वो तो बात की बात है, सबसे पहले तो इस पे ऑपरेशन करेंगे, कितने बच्चों का बन गया ये, बन गया सर मेरा, अनमोल, अनमोल और किसका, किसका किसका नहीं बना ये बताइए, किसका नहीं बना सर मेरा, मेरा, मेरा अच्छा, भी नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, ठीक है 2 का पावर x लिख दो इसको, कोई दिक्कत है नहीं, माइनस, अब ये इसको देखो 2 की पावर x माइनस 1 को मैं क्या लिख दू, यहां पे ये रूल लगा लेता हूं a टू दी पावर m माइनस n, देखो अपने को ये पता है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये आपको पता है ना, अब इधर देखो इसको देखो और इसको देखो, क्या दोनों सेम है, सर ए के जगह पे 2 है, एम के जगह पे एक्स है और एन के जगह पे 1 है, तो देखो अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े अपन यहां से यहां तक गए, बट कभी कभी एग्जाम के अंदर आपको ये फॉर्मेट दिया रहेगा और यहां से आपको यहां पे भी आना पड़ेगा, जैसे ये क्वेश्चन के अंदर, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा 2 का पावर x डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1, देखो a की पावर m माइनस n, a का पावर m माइनस n, तो इसको लिखा जाएगा 2 का पावर x डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1, कोई दिक्कत है किसी को इस, ये लिखू तो मैं इज इक्वल टू 4, ठीक है तो ये 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, कोई दिक्कत, हाँ जी जिनका नहीं बना उनको दिक्कत है इसमें कोई, ठीक है अब अगर किसी रेफरेंस बुक को आप जाएंगे तो वो आपको बोल लेंगे लेट 2 का पावर x इक्वल्स टू a, a मान लो, b मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो, तो बट आप ऐसा मत करो, आपको सिंपली करना है, ये क्या करना है, यहां पे देखो यहां डिवाइड में कितना है 1 है, इधर डिवाइडेड में 2 है, तो आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लोगे, हाँ तो माइन, अरे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस लगा लूंगे इसमें, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 का पावर x माइनस 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4, अरे भैया कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, देखो एक बात समझो यहां पे देखो, यहां a बाई 1 है माइनस b बाई 2 है, या इसको सिंपल समझाओ a माइनस b बाई 2 है,
तो आपको आप इसको ऐसे माइनस नहीं कर सकते, क्यों? ये दो नंबर है, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, समझ रहे हो? पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर है बी बाई टू, माइनस बी बाई टू, और आप दोनों को माइनस करना चाह रहे हो, ये तो गलत है ना भैया। क्यों? क्योंकि देखो मुकाबला हमेशा बराबरी वालों में होता है, एक का डिनोमिनेटर वन है, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब इसके नीचे वन है, ए बाय वन है, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? इसका डिनोमिनेटर वन है, बी का डिनोमिनेटर टू है, दोनों के बीच में मुकाबला नहीं हो सकता भाई, मुकाबला बराबरी वालों में होता है, याद रखना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ए के नीचे भी टू लाना है, अपने को ए के नीचे भी टू लाना है। अब ए के नीचे टू लाने के लिए मेरे को यहां पे इंटू टू करना पड़ेगा, आओ कि नहीं? अब एक बात बताओ, ए के डिनोमिनेटर में टू लेके आ गया मैं, तो न्यूमरेटर में भी तो टू लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो वापस से ए नाराज हो जाएगा, बोलेगा वन को टू टाइम्स कर दिया, मेरे को तो वैसे ही रखा, तो इसलिए वापस से यहां पे भी इंटू टू हो जाएगा। समझो बात, जब भी आप किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, क्योंकि मुकाबला हमेशा बराबरी वालों में होता है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट उनका ऑपरेशन हो सकता, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर क्या करना, तो आपको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, और सेम करने के लिए आपको ये वन को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर वन को डिनोमिनेटर को टू से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियस सी बात है न्यूमरेटर को भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर चेंज हो जाएगा, नहीं तो नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2a अपॉन 2 माइनस b बाय 2। अब दिस इज नथिंग बट जो चीज आप डायरेक्टली करते हो, जो आपको याद करवाई गई है बचपन में, सेम यही पे किया अपन ने। देखो यहां पे एक बार ध्यान से देखो, इसके नीचे 2 था, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, बराबर। इसके नीचे 2 था, इसके नीचे 2 नहीं था, इसके नीचे 1 था, तो अपन ने क्या करा, मैंने ये, मैं आपको यहां से ये स्टेप कैसी आई डायरेक्टली वो बताता हूं। तो अपन ने क्या किया, 2x डिवाइडेड बाय 1 इंटू इसको 2 किया, तो ऊपर वाले को भी इंटू 2 करना पड़ेगा, माइनस 2x बाय 2 इज इक्वल्स टू 4, और फिर क्या किया, 2 इंटू 2x अपॉन 2 माइनस 2x बाय 2 इज इक्वल्स टू 4, 2 इंटू 2x माइनस 2x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4, ये ऐसा आया हुआ है, समझ में आया क्या? जिन बच्चों का नहीं बना था, अब जिनका नहीं बना था उनको ये क्या बोलते हैं उसको, एलसीएम वेलसीएम निकालते नहीं आता, इसलिए दिक्कत हो गई, और कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, क्योंकि आप 11 12th कॉमर्स किए हो तो नहीं आना कोई बड़ी बात है नहीं, तो मैं मान के चलता हूं कि कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है? यहां तक क्लियर है क्या? अभी बताओ आगे का बताओ। तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर x को ले लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू, ये 2 इधर चले जाएगा, 8 2 की पावर x इंटू 1 इक्वल टू 8, 2 की पावर x इक्वल टू 8, देयर फोर x इक्वल टू 3, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3, x इक्वल टू 3, बहुत सिंपल तरीके से बताया, कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत? सर जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो सर। जिनका नहीं बना था उनको समझ में आ गया क्या? सर आ गया सर। अब सर ये हम लिख लेना क्या, इसका टेंशन मत लो, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप घर पे जाके लिख लेना, ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। आप लेक्चर, ये जो लेक्चर है ये एप्लीकेशन पे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, आप उसमें से भी इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं, ठीक है? बट एक और बार सुन लो, जिन बच्चों का नहीं बना था उन्होंने क्या करना है, घर पे जाके खुद से ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है, अगर बाद में अटके तो फिर इसमें से कॉपी डाउन करना, ठीक है?
अरे ठीक है भाई, यस सर, आओ सर, हाँ बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन बना क्या आपका? आओ सर, वो भी नहीं बना, बन गया सर, बाप रे, फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी नहीं बना आपसे। क्वेश्चन फाइव क्या था? क्वेश्चन फाइव, फोर रूट एक्स रूट एक्स इज इक्वल टू 256। क्या किया बेटा जिनसे नहीं बना उनने? सर यहाँ पे फोर नहीं आना चाहिए सर। क्या बोले? फोर नहीं आना चाहिए। हाँ फोर रूट एक्स पावर रूट एक्स आना चाहिए। हाँ फोर नहीं आना सर। फोर नहीं आना? नहीं आना सर। ठीक है देखते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं अपन। अब ये देखो इसको है ना, आप सॉल्व मत करिए। इसका ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है रूट 2। इसको सॉल्व मत करो, इसको ऑप्शन मेथड से जाओ। पहले क्या करो, इसको थोड़ा सिंपल कर दो, पहले इसको सिंपल कर दो थोड़ा। टू फिफ्टी सिक्स क्या होता है? फोर की पावर फोर, बराबर फोर की पावर फोर 256 होता है। yes. 256 को डिवाइड बाई फोर किया तो कितना आएगा? 256 को डिवाइड बाई फोर किया तो कितना आएगा? 64 आएगा पक्का? सर गुड। अब यहां से ये फोर हटा दो, ये फोर नहीं होना था यहां, और फोर रहता तो दूसरा आना चाहिए था। तो ये होना चाहिए था रूट एक्स की पावर रूट एक्स। सुनिए बात, रूट एक्स की पावर रूट एक्स ये क्वेश्चन है, इसमें चेंज कर लीजिए, इक्वल टू 256 आया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं हमेशा इसको सॉल्व नहीं करते बैठूंगा, मैं ऑप्शंस लगाऊंगा। ये क्वेश्चन में ऑप्शन से जाना ज्यादा बेटर है, ऑप्शन मेथड से जाना ज्यादा बेटर है। देखो रूट टू की पावर रूट टू कितना आएगा? 256 तो आ नहीं सकता। अरे आ सकता क्या? रूट टू की पावर रूट टू 256 नहीं बन सकता। फिर क्या? 16 रूट 16 बन जाता है, बन जाता सर। रूट 16 कितना होता है? 4 की पावर रूट 16, रूट 16 मतलब वापस 4, 4 का पावर 4 कितना होता है? 256। इसका मतलब क्या है? तू ही मेरा रब है जहां है, इसको बी को बोलने का और आगे चलने का, बाकी कुछ नहीं देखने का। यहां मेथड से मत जाना, यहां मेथड से जाओगे तो पगला जाओगे, समझ रहे हो क्या? वो फोर था, था। क्या बेटा? हाँ वो फोर नहीं था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बच्चे ने मेरे को ये भी बता दिया कि सर वहां फोर नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है? उसने सोचा था ये बारे में, तुमने सोचा नहीं था, तुमने छोड़ दिया था ये बोल के कि भैया वो हमको नहीं जम रहा है, ठीक है ना। दीपेश जैन क्या बोलना चाह रहे हो आप? आपने हाथ रेस किया है, बोलिए। नहीं सर गलती से। अच्छा गलती से ऐसा हो जाता कि हाथ रेस नहीं, यहां पे तो क्लिक करा तो हैंड रेस हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन सिक्स बोलिए। हाँ बन गया सर। गो बाय ऑप्शन मेथड। सिक्स्थ वाला बताइए, सिक्स्थ वाला बन गया क्या? बन गया है, एक्स इक्वल्स टू 3 आता है इसका। वेरी इजी है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन सेवन नहीं बना होगा? बन गया बन गया। क्या बात कर रहे हो भैया, सेवेंथ क्वेश्चन बन गया आपसे? अरे बहुत खास भाई, बहुत खास। जिनके लिए ट्वेल्थ सेवेंथ क्वेश्चन बन गया, अपने आप के लिए तालियां बजा देना, ऐसे शाबाश की दे देना, बजा लिए ना। हाँ नहीं भाई देखो
अपन कुछ अच्छा करते ना तो खुद को अप्रिशिएट कर लिया करो, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी नाराज है, भगवान को भी अप्रिशिएट नहीं करती दुनिया, तो अपन ने अपने लिए कर लेने का, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, z की पावर माइनस वन, इसको क्या लिखूंगा मैं, क्यों? अरे सर देखो, पहली बात तो हमको है ना निगेटिव चीजें पसंद नहीं आती, हम पहले सबसे पहला काम क्या करते जिंदगी में, जो भी जितनी निगेटिव चीजें है उनको करेंगे पॉजिटिव में कन्वर्ट, क्या करेंगे हर बार, ये मैथमेटिक्स नहीं, ये जिंदगी के लिए एप्लीकेबल है, जो भी चीज निगेटिव है उसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे z की पावर माइनस वन है, तो अब हमको पावर को पॉजिटिव करना है, पावर का साइन चेंज करना है। अब पावर का साइन चेंज तब होता है जब उसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके आओ, तो यहाँ z ऊपर है तो इसको नीचे ले जाएंगे वन बाई z। अब z की पावर वन लिखू या z लिखू एक ही बात है, z की पावर वन लिखू या z की पावर z लिखू एक ही बात है, अगर मैं z लिखता हूं तो ऑब्वियस सी बात है z का पावर वन बोलना चाह रहा हूं, इज इक्वल टू वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर, तो ये हो जाएगा फोर माइनस थ्री बाय ट्वेल्व। अब ये इतना तो आपको आता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं, अगर ये किसी को नहीं आता तो मेरे को बताओ, मैं आपकी अलग से क्लास लेता हूं। ये ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस आते हैं ना, ये फोर इधर जाएगा, ये थ्री इधर जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या बोले बाबू? हाँ, अरे यार वो नाम बहुत बचपन में पढ़े थे, मैं भूल गया, वो एलसीएम एचसीएफ। वन बाय जेड इक्वल टू वन बाय बारह, देयर फोर जेड इक्वल टू बारह। आया क्या? क्या मुझे प्यार है या ऐसा कुमार है या, अरे बाप रे, एट्थ वाला बताओ, एट्थ वाला आ गया क्या? एट अरे रुको, अच्छा रुक जाओ। देखो ये जेड वाला क्वेश्चन है ना, ऐसा फालतू क्वेश्चन है, चिल्लर क्वेश्चन है, भिगारी क्वेश्चन है, पर इतना मगज खाता ना, इतना माथा खाता ये क्वेश्चन, परेशान हो जाता, अरे ये करो वो करो। चलो एक बार कर देता हूं मैं आपके लिए, टू की पावर x प्लस थ्री इंटू थ्री का पावर टू एक्स माइनस वाई इंटू फाइव का पावर x प्लस वाई प्लस थ्री इंटू सिक्स का पावर y प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स का पावर x प्लस वन इंटू टेन का पावर y प्लस थ्री इंटू फिफ्टीन का पावर x, बराबर यही क्वेश्चन है ना बेटा। अब सुनो, मैंने आपको एक चीज बताया था, एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, कौन सा वाला? ये पावर m बाय ये पावर m। हाँ, ये बात, a इंटू बी का पावर m इज इक्वल टू a का पावर m इंटू बी का पावर n m, ये बताया था ना। और मैंने जिंदगी में आपको एक चीज बताई थी कि भैया हर चीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो अभी इसको करते हैं आगे का सॉल्व इसी बेसिस पे, टू का पावर x इंटू टू का पावर थ्री लिख दू, ऐसा लिख सकता क्या मैं? अरे देखो सुनो, पहली बात तो इंटू लिखने के बजाय अपन डॉट भी दे सकते हैं कभी कभी, ये डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। हाँ जी, तो ये क्या था, ए का पावर एम प्लस एन, ए का पावर था एम प्लस एन। इसको मेरी नजर से देखो, ये आपको दिख रहा टू के जगह ए, और एक्स प्लस थ्री के जगह दिख रहा है एम प्लस एन, तो वो हो गया ए का पावर एम प्लस एन। ए का पावर एम प्लस एन कब आता, क्या रहा होगा? ये रहा होगा ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन, मतलब ये पहले रहा होगा टू का पावर एक्स इंटू टू का पावर थ्री, और इसको हमने वो रूल लगाया होगा ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एम प्लस एन। तो हमको दिया तो ये है, बट हमको इसको डिकोड करना है इस फॉर्म में, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं सब कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में रहे।
अब जिसको समझ में नहीं आया उसने कुछ तो भी करना चाहिए था, वो कुछ तो भी करता था ना, तो उसको क्लिक हो जाता। ये करूंगा मैं इनटू 3 की पावर 2x। अरे करूं क्या? हेलो करूं ना? हाँ बस ये a टू दी पावर m माइनस n है। यहां देखो गौर से, a टू दी पावर m माइनस n, तो अब मैं क्या करूंगा, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n, तो मैं ये 3 की पावर y को नीचे लिख दूं, 3 का पावर y। किसी को कोई आपत्ति इसमें? नहीं सर, नहीं सर। ये देखो ये बना दिया मैंने उसके लिए, इंटू फाइव का पावर x इंटू फाइव का पावर y इंटू फाइव का पावर 3 इंटू, अब देखो 6 को क्या मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं? Yes, ये 6 को मैं लिख देता हूं 2 इंटू 3 का पावर y प्लस 1। कोई दिक्कत? सर इसमें x और y को 1-1 अज्यूम कर सकते सर, क्या x और y को 1-1 अज्यूम कर सकते सर? ये सब काय को अज्यूम कर सकते क्या सर? ऐसा x की जगह 1 ना y की जगह 1, पर क्यों कहां से तो आंसर आया सर ये? अरे रुक 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 रुक, अजम्पशन क्या क्या कहा कहा लेना है मैं बताऊंगा, अभी ऐसे अज्यूम मत करो। अज्यूम करने के लिए क्या लॉजिक क्या है? बराबर एक्स को वन अज्यूम कर लिया, बट लॉजिक क्या, क्यों क्यों वन क्यों अज्यूम कर रहे हैं आप? हमेशा ऐसा थोड़ी हो सकता। नहीं 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 नहीं, गलत होने की संभावना है। ये क्वेश्चन को बिल्कुल टाइम नहीं लगता, आप टेंशन मत लो। ये तो मैं आपको पहली बार समझा रहा हूं, इसलिए जब आप इसको दूसरी बार करोगे ना खटखट खटखट हो जाएगा। ये अज्यूम मत करना वन, कोई लॉजिक ही नहीं है अज्यूम करने के पीछे। हर क्वेश्चन में ये अजम्पशन एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ठीक है? जहां जो अज्यूम करवाना है मैं आपको बता दूंगा, अज्यूम कर लेना उसको, अभी मत टेंशन लो। अब देखो ये 6 की पावर एक्स प्लस 1 को मैं लिख देता हूं 2 इंटू 3 का पावर एक्स प्लस 1, ठीक है, इंटू ये जो 10 की पावर y प्लस 3 है इसको लिखता हूं 2 इंटू 5 की पावर y प्लस 3, प्लस जो 15 है उसको लिखता हूं 3 इंटू 5 की पावर x। कोई दिक्कत है यहां तक? अरे हां जी कोई दिक्कत है बोलिए। अब क्या करेंगे? अब करते खेलते बैठो, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 3 इंटू 3 की पावर 2x इंटू 5 की पावर x इंटू 5 की पावर y इंटू 5 का क्यूब इंटू 2 की पावर y इंटू 2 इंटू 3 की पावर y इंटू 3, क्या ये समझा? क्या सर समझ गया? क्या किया मैंने? मैंने दो चीजों को एक साथ लगा लिया, मैंने वहां पे एक स्टेप स्किप कर दिया। कौन सा? पहले उसको लिखना चाहिए था, मैंने यहां पे लिखना चाहिए था, इसको ऐसे लिखना चाहिए था 2 की पावर y प्लस 1 इंटू 3 की पावर y प्लस 1, और बाद में इसको लिखना चाहिए था 2 की पावर y इंटू 2 इंटू 3 की पावर y इंटू 3। ये मैंने डायरेक्टली यहां पे लिख दिया। कोई दिक्कत? ए इंटू बी का पावर m, या a इंटू बी का पावर m को लिख दिया मैंने, a का पावर m इंटू बी का पावर m, और उसके बाद में जब पावर में एडिशन था तो उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। सेम बेस और पावर में एडिशन था तो मैंने उसको दो अलग अलग नंबर्स में स्प्लिट कर दिया। क्या किसी को दिक्कत है सर? हाँ जी सर, बोलिए बोलिए सर। एक आवाज आई थी सर। हाँ तो वही इसको पूरा लंबा करना पड़ता। अरे इतना लंबा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो? नहीं सर, वो जो 6 का पावर y प्लस 1 है ना न्यूमरेटर में, हाँ, और नीचे 6 का पावर x प्लस 1 है, तो उसको ही सीधा इंटू लिख के मतलब a पावर m बाय a पावर n ऐसा नहीं कर सकते? a की पावर m बाय x पावर y प्लस 1 माइनस x माइनस 1। हाँ तो वो कर दो ना उसको बाद में। नहीं नहीं वो रुक जाओ,
वो सारे लोगों के लिए नहीं है, मेरे को हर बच्चे को पढ़ाना है, आप समझिए बात को। जो बच्चों का मैथ्स में दिमाग चलता मैं उसको बता दूंगा बाद में, एक बार ये नॉर्मल सॉल्यूशन करने दो मेरे को, मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे खटखट खटखट कट जाता है। तो एक नॉर्मल बच्चे के लिए पहले पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करने दो, उसके बाद में जिनको मैथ्स अच्छे से आता उसको बताता हूं मैं आपको क्या करना है। ये डिवाइडेड बाय 2 का पावर x इंटू 2 इंटू 3 का पावर x इंटू 3 इंटू 3 की पावर y इंटू 2 की पावर y इंटू 2 की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर y इंटू 5 का क्यूब, ये प्लस नहीं ये इंटू था, इंटू 3 की पावर x इंटू 5 की पावर x, इसको मैंने किया ऐसे। समझ में आया क्या नीचे वाला? हाँ सर। ये देखो यहां से मैं यहां पे लेके आया, समझ में आया क्या? क्या किया मैंने? कुछ नहीं, वही दो फॉर्मूले लगाए, a इंटू बी की पावर m, तो a की पावर m इंटू बी की पावर m, और बाद में a की पावर m प्लस n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू a की पावर n, ये दो फॉर्मूले लगा के उसको स्प्लिट किया गया है बस। क्या मैं एक और स्टेप करके बताऊ आपको मेरे बच्चों? किसी को दिक्कत होंगी तो बताइए। नहीं सर। किसी भी एक बच्चे को दिक्कत होंगी तो अभी बता दो, फिर मैं बताऊंगा नहीं आपको। नहीं सर। नहीं सर। चलिए ठीक है, अब क्या है, जो ऊपर सेम है जो नीचे सेम है खटाखट काटते चलो। ये देखो 2 का क्यूब ऊपर है, 2 का क्यूब ऊपर है, नीचे काट दो। 5 की पावर y, 5 की पावर y काट दो। 5 की पावर x से 5 की पावर x से काट दो। 5 का क्यूब ऊपर है, 5 का क्यूब नीचे है, काट दो। 2 की पावर x, 2 की पावर x काट दो। ये 2 काट दो। अब क्या है? और क्या है? और क्या कटेगा? 3 की पावर y, 3 की पावर y कट जाएगा। 2 पावर y, 2 पावर y कट जाएगा। और 3 पावर है, ये देखो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, और ये 3 2x है, ये 1x 2x कट गया। अब ये कैसे कटेगा? ऊपर 3 की पावर 2x है ना, तो उसको 3 की पावर x प्लस x ऐसे भी लिख सकते हो 2x, और ये x है, ये x है, मल्टीप्लिकेशन में आ गया, सब कट गया। आंसर क्या आएगा? 1। आंसर क्या आएगा? 1। बराबर। अब जिन बच्चों को मैथ्स नॉर्मल आता इतना, उनने ऐसा करना। जिसको मैथ्स आता ही नहीं और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख गया, ठीक है, अब सुनो मेरी बात एकदम ध्यान से। ये क्वेश्चन है अपना, बराबर। अरे हाउ की नहीं, अब ऊपर वाली चीजें और नीचे वाली चीजें देखो, तो ऊपर में 2 का पावर x प्लस 3 है, 3 का पावर है, 5 का पावर है, और 6 का पावर है। 6 का पावर मतलब 2 इंटू 3 है। नीचे में 6 है, 10 है, 15 है, मतलब ये सारी चीजें वही है जो इधर 2, 3 या 5 के फैक्टर्स है, 2, 3, 5 के फैक्टर्स में होने वाला है। और ऊपर कुछ है, नीचे कुछ है, ऑब्वियस सी बात है सर, ऊपर वाली चीजें नीचे वाली सारी की सारी चीजों को काटने वाली है। और जब मल्टीप्लिकेशन की बात करूं और सब कुछ कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1। डायरेक्ट आंसर 1 टिक कर देना जिनको मैथ्स आता ही नहीं, 99% आपका आंसर सही रहेगा। जिनको मैथ्स आता ही नहीं उन्होंने डायरेक्ट 1 आंसर टिक कर देना। देखो याद रखो मेरी बात, जब ये मैं आपको ऐसी बता रहा हूं, जब मल्टीप्लीकेशन है, क्या है बेटा मल्टीप्लीकेशन? मल्टीप्लीकेशन में एक न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमेशा एक मिक को काटने वाला है। ये कट गया, ऊपर का भी नीचे का भी कट गया, तो बचता कितना? 1। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है तब आंसर आएगा 1, और जब एडिशन का बात हो रहा है मतलब प्लस माइनस करना है तो आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि एडिशन के केस में सब कुछ कट जाएगा और बचेगा क्या? 0। अरे समझ रहे हो? 99% केसेस में ये होता है, मैं आपको साबित कर दूंगा। अब जरूरी है नहीं है, वो उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ्स नहीं आता, ये रूल बता रहा। जिनको मैथ्स आता उसने इज्जत से सॉल्व करने का,
एक और चीज वो बता, क्या बोले बेटा? नहीं नहीं ऐसा नहीं सोच लेता है भैया, मैं किसको बता रहा ना, पहले सॉल्व करा। मल्टीप्लिकेशन के केस में मैं आपको आगे साबित करवा दूंगा 99% केसेस में आंसर आता वन, क्योंकि ऊपर का नीचे का सब कुछ कट जाता और सब कुछ कटने के बाद आंसर आता वन, और एडिशन में सब कुछ कट गया तो बचता जीरो। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सब कुछ कटने के बाद बचता है जीरो, तो आपको मल्टीप्लिकेशन के केस में वन लिखना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में जीरो आंसर लिखना है। बट ये तब एप्लीकेबल है जब आपके पास वक्त नहीं है या आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं समझ रहा, प्लस आपको इतनी गारंटी है कि आप पास हो जाओगे, ये पक्का है। आप स्कोरिंग के लिए कर रहे हो तो ये करिए, अगर आपके नेगेटिव मार्क्स आपको फेल करवा सकते हैं तो ये चीज की रिस्क मत लीजिए, ठीक है? चलिए आगे चलते। अब जिन बच्चों को मैथ्स आता उनने क्या करना, देखो सुनो बात, एक वापस से लिखता हूं ये क्वेश्चन को मैं, ये क्वेश्चन को मैं लिखता हूं वापस से, और अभी ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 8, 2 की पावर x प्लस 3 इंटू 3 का पावर 2x माइनस y इंटू 5 का पावर x प्लस y प्लस 3 इंटू 6 का पावर y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 का पावर x प्लस 1 इंटू 10 का पावर y प्लस 3 इंटू 15 का पावर x। अब सुनो जिनको मैथ्स आता उनने क्या करने का। अब आपको पता है कि ये 6 का पावर 1 है और ये 6 का पावर x माइनस प्लस 1 है, बराबर। अब ये 6 का पावर y प्लस 1 किस टर्म में रिड्यूस होने वाला है, 6 का पावर y इंटू 6, और ये नीचे वाला भी x प्लस 1 वही रिड्यूस होगा 6 का पावर x इंटू 6, तो ये 1 काट दो, ये 1 काट दो। क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो क्या? अब ऊपर गौर से एक और बार देखो, ये 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 3 है, और यहां पे 10 का पावर भी 3 है, तो मैं इसको ऐसा काट दूंगा, ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, ये कट गया 3, समझे क्या? ये 15 का पावर x है, सुनो ये 15 का पावर x है, यहां पे ऊपर में देखो ये 5 का पावर x है, ये 3 का पावर 1x है, ये 15 का पावर x कट जाएगा ये 5 के पावर x से और ये 3 के पावर 1x से, ठीक है? अब बचा क्या है, यहां पे बचा एक 3 का पावर x, तो ये कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा 2 का पावर x इंटू 3 का पावर x, तो इससे ये 6x से ये 2 की पावर x कट गई, ये 3 की पावर x पूरी पूरी कट गई। अब बची क्या है, 3 की पावर y जो कि नीचे आने वाली है, तो 3 की पावर y को काट देना ये 6 की पावर y से, और ये 5y है, यहां पे देखो 3 का पावर y है, ये नीचे आ जाएगा 1, ये सॉरी ये 3 का पावर माइनस y जो है ये नीचे आ जाएगा और ये इससे कट जाएगा, बचेगा 10 का पावर y, तो ये 5 का पावर y एक बचा हुआ था अपने पास और एक कहीं तो 2 का पावर y बचा था, वो पूरा कट जाता है, सब कुछ कट गया बिना कुछ देखे। अब उसके लिए उतना तगड़ा मैथ्स आपका होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने तीनों के लिए बताया, एक बच्चे जिनको सिर्फ जय माता दी करना है मल्टीप्लीकेशन वाला, जिनको अच्छा मैथ्स आता है वो देख के इसको काट सकता, या एक स्टेप आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और उसमें आंसर आ जाएगा, और जिनको मैथ्स ही नहीं आता उसने पूरा ऐसा सॉल्व करना, या फिर किसी बच्चे ने बोला x की वैल्यू 1 ले लो और y की वैल्यू 1 ले लो, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, मैं वो रिकमेंड नहीं करता, आप लेके कर सकते हो और वो भी 90% केसेस में आपका आंसर सही देगा। क्यों? रीजन बताता हूं, क्योंकि आप जो वैल्यूज ऊपर ले रहे हो वही वैल्यूज आप नीचे ले रहे हो, जो ऊपर वैल्यूज ले रहे हो वही वैल्यूज आप नीचे ले रहे हो, तो आपका आंसर 90% केसेस में सेम सही आएगा। 10% क्रिटिकल केसेस या क्रिटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपका आंसर गलत आए, ठीक है? तो सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, जिस तरीके से आपको करना है आपका चॉइस, क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir.
नाइन्थ वाला क्वेश्चन बन गया आपसे क्वेश्चन। अरे क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट मिनिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स 3 का पावर एक्स अपॉन 243 विल बी ग्रेटर देन 1। ये ग्रेटर देन 1 होना इसका मतलब क्या है, इसको कर लो यार 3 की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 243 को 3 के पावर में रिड्यूस करो क्या 3 की पावर 5। अब ये पूरा का पूरा टर्म 1 से ज्यादा कब होगा, जब ये एक्स फाइव से ज्यादा रहेगा, एक्स फाइव से ज्यादा रहेगा मतलब कितना रहेगा एक्स इज इक्वल टू 6 होना, एक्स इक्वल टू, एक बात बताओ मेरे को यहां पे अगर एक्स इक्वल टू 5 लिखा तो क्या ये ग्रेटर देन 1 होगा, नहीं। तो कोई बच्चा बोलता सर 5.01 लिखो, अरे उन्होंने पूछा है मिनिमम इंटीजर वैल्यू पूछा है मतलब होल नंबर पूछा है, तो आप क्या करोगे एक्स की वैल्यू 6 रही तो ही ये 1 से ज्यादा होगा तो एक्स इक्वल टू 6 आंसर आएगा उसका। हाँ टेंथ वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं बना 25 का आंसर एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय ठीक है भाई ठीक है इज इक्वल टू 1/5 की पावर एक्स माइनस 7.5 बाप रे। हाँ सर वो पीडीएफ में वो कैसा दिख रहा मतलब 1/5 की पावर एक्स फिर उसके बाद में अलग से माइनस 7.5 दिख रहा था। अरे नहीं रे मुन्ना ऐसा कैसे होगा, ये बना गया आपसे, चलो बनाओ इसको अभी बनाओ 4/3 आ रहा है ठीक है ठीक है। देखो आंसर क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है या उनके ऑप्शन में क्या दिया है क्या मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन बन रहा क्या अपने को मेथड आ रही है ये बात है। 25 को लिखते अपन 5 का स्क्वायर एक्स प्लस टू और ये जो नीचे 5 का पावर 1/2 है रूट 5 है इसको मैं ऊपर ले लेता, चलो बाद में लिखता हूँ 5 की पावर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7.5 कोई दिक्कत ये करूं तो ये 5 की पावर 2x प्लस 4 माइनस आधा। हाँ सर कोई दिक्कत सर। ये 1/2 नीचे था उसको ऊपर लेके गया तो पावर माइनस हो जाएंगे सर। या मैं बोलू a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n का फॉर्मूला लगाया कोई दिक्कत 5 की पावर माइनस एक्स प्लस 7.5 कोई दिक्कत। चलिए 5 की पावर 2x प्लस 4 में से आधा गया 3.5 बचता है, अरे 4 माइनस 1/2 को सीधा मैं 3.5 लिख देता हूं, अपन मारवाड़ी आदमी है डायरेक्ट लिख देंगे 5 की पावर माइनस एक्स प्लस 7.5 कोई दिक्कत। दोनों के बेस सेम है नंबर सेम है पावर सेम हो जाएंगी 2x प्लस 3.5 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7.5 ये एक्स इधर आ जाएगा 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 7.5 माइनस 3.5 3x इज इक्वल टू 4 एक्स इक्वल टू 4/3 आंसर आया आपका। हाँ जी 4/3 आंसर है उसका, जिनका 4/3 आया था वो सही है। ठीक है इंस्टीट्यूट दे देंगे उसका क्या टेंशन लेना, ये क्वेश्चन का आंसर 4/3 है। मैं बोला था आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट के ऐसे एडिशनल क्वेश्चन मांगे क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन ही नहीं दिए, क्या करते अभी लड़ाई तो करेंगे नहीं ऐसा है। टेंथ वाला हो गया एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं बट ऑप्शन सही रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता टेंशन मत लो, गलत निकला तो एक मार्क देंगे आपको आप टेंशन मत लो उसका। हाँ जी 11 हो गया सर, हो गया सर 4 क्वेश्चन 11 का आंसर क्या है B is equals to 4 yes, ये इजी है
क्वेश्चन 11 किसी के लिए सॉल्व करना है क्या? क्वेश्चन 12 आ गया क्या? अरे क्वेश्चन 12 गो बाय ऑप्शन मेथड, गो बाय ऑप्शन मेथड लिख लो वहां पे। चलो 12 बताता हूं मैं आपको, किधर गया अभी तू? ये 12 12 है ना ये? अरे ऑप्शन मेथड से चले जाओ, x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, पहले 2 पुट करो, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेटिस्फाई कर रही तो ठीक है, नहीं तो 3 पुट करो, नहीं तो 4 पुट कर, 1 पुट करो, जो भी आंसर आएगा। क्या आंसर आया बेटा आपका? सर 4 सर। कितना? 2 आया ना, 11 वाले का 4 आया, 11 वाले का 4 आया, अच्छी बात है। 13 आया क्या आपको? मैं वापस जिनका नहीं आया उनको बोल रहा हूँ, वापस से ये 13 लो होमवर्क, वापस से ये 14 होमवर्क लो, वापस से ये 15 होमवर्क लो, ठीक है? ये करो घर पे, वापस एक बार ट्राई करो, बनेगा बनेगा, धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखना, बनेगा बनेगा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना? इसके अंदर क्या करना आप मालूम है? जिनके नहीं बने वो थोड़ा वक्त लीजिए, बनेगा क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद 17th क्वेश्चन, 16 बन गया सर, पर अगर ये इक्वेशन को सॉल्व कर लिए तो x4 y2 और अबे ये क्वेश्चन भयंकर क्वेश्चन है भाई ये, इसको इसको है ना, मैं बता दूं आपको क्या करना है आपको, ये एक नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड है, ये बेस्ट क्वेश्चन है, इसको कर दो स्टार मार्क। और मैं आपको बता दूं अब क्या करना, आप ऐसे ऑप्शंस ढूंढना जिसकी वैल्यू वो सेटिस्फाई करे, जैसे मैं वाई की पावर वाई इक्वल टू एक्स दिया है ना, तो मैं मान लेता हूं वाई इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 इक्वल टू 4, तो मैंने y इक्वल टू 2 माना तो x इक्वल टू 4 आया मेरा, बराबर? Yes. अब मैं क्या करता हूं ये वाले इक्वेशन में पुट करता हूं, अरे z आएगा ना भाई, मैं बताता हूं ना तेरे को, z का पावर x इक्वल टू x है, बराबर? x है अपना 4 इज इक्वल टू 4, z का पावर 4 इज इक्वल टू 4 आना चाहिए आपका, बताओ जेड का पावर 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, जेड का पावर 4 इक्वल टू रूट 2 की पावर 4, एंड देयर फोर जेड इक्वल टू रूट 2 आया, जेड इक्वल टू रूट 2 आया, आया क्या? यस सर। बना आउट सर। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछा है 4 इंटू 2 इंटू रूट 2, एट रूट 2, ये आंसर है भाई, आंसर ये है, ऑप्शन छोड़ो ऑप्शन छोड़ो, ये आंसर है, और इसका आंसर 8 रूट 2 पहले दिया था यहाँ पे, पता नहीं अभी क्यों यहाँ आया, ये मेरे को क्वेश्चन अच्छे से याद है, 8 रूट 2 आंसर है उसका, बी ऑप्शन, बहुत बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है ये, मजा आ जाएगा। मतलब आपने क्या किया, आपको समझा क्या, आपने पहले एक कंडीशन से एक वैल्यू अज्यूम कर लिया, दूसरी वैल्यू निकाला और दूसरी वैल्यू को तीसरे इक्वेशन में पुट करके डाल दिया। अब आप बोलोगे सर हम कैसे माने तुम्हारा गलत माने वा सच है, तो क्या करना यहां पे लगा के देखना, जेड क्या था अपना, रूट टू की पावर 2 इज इक्वल टू कितना आता, वाई वाई क्या था 2, रूट टू का स्क्वायर 2 आता क्या? हाउ, अरे आता क्या? मतलब अपन ने जो फॉर्मूले जो वैल्यूज मानी है ना वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, अपना आंसर सही है भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने, ये देखो मैंने क्या किया तीसरे इक्वेशन से, चलो मैं पूरा एक बार ये क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 ना,
ये बताता हूं मैं, आप टेंशन मत लो, लिखो 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 वाई इफ जेड का पावर एक्स इक्वल टू एक्स, ये लिख लेता हूं वन, दूसरा लिखता हूं जेड का पावर वाई इक्वल टू वाई और वाई का पावर वाई इक्वल टू एक्स बराबर। ये मेरे पास तीन इक्वेशन है, पहला दूसरा तीसरा ये है। अब मेरे को क्या निकालना है, एक्स वाई जेड ढूंढना है मेरे को, फाइंड एक्स वाई जेड। तो मैं क्या करता हूं, मेरे को कोई तरीका पता नहीं है इसका, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है जो आपको ये बताएंगे, और जितने जहां जितने जितने मर्जी यूट्यूब के वीडियो है वो देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा किसी बुक में, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं मिलेगा, अनसॉल्व क्वेश्चन में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जमेगा ही नहीं। अब देखो अपने को क्या करना है इसमें, अपने को करना क्या है इसमें, अपने को पहले किसी भी एक चीज को अज्यूम करना है। तो हमको मालूम है 2 का स्क्वायर 4 होता, तो मैंने यहां पे अज्यूम कर लिया 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका मतलब मेरा क्या आया, y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। एक्स वाई की वैल्यू पता है मेरे को, अब मेरे को निकालना है z, तो मैं ये इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन से निकाल सकता या फर्स्ट से, तो मैंने बोला चलो ठीक है फर्स्ट से निकाल लेते, आप चाहो तो आप सेकंड से भी निकाल लो, आप फर्स्ट से जेड की वैल्यू निकाल लो, सेकंड में डाल के देखो कि क्या सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई करता जो वैल्यूज अपन ने निकाली है। अब अपन ने करा जेड का पावर एक्स मतलब 4 इज इक्वल टू 4, अब मैं ये सेकंड इक्वेशन में भी डाल सकता था, बट वहां पे है ना वाई की वैल्यू 2 जाती थी और 2 में थोड़ी सी मेरे को दिक्कत होती थी, तो मैंने इसको कर लिया जेड की पावर जेड इक्वल टू की पावर 4 इक्वल टू 4, तो ये आ गया जेड की पावर 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, इससे मैंने इंप्लाई कर लिया जेड की पावर 4 इक्वल टू रूट 2 की पावर 4 एंड देयर फोर जेड इक्वल टू रूट 2। ये डाल के मैं खुश नहीं हुआ, मेरे को लगा मेरा आंसर गलत हो सकता, मैंने ये वैल्यू को जो मेरी निकली थी उसको थर्ड सेकेंड वाले इक्वेशन में डाल के सैटिस्फाई किया, अगर सही है तो अपन ने जो वैल्यूज निकाली वो सही है, जेड मतलब रूट 2 का पावर वाई, वाई मतलब 2 इज इक्वल टू, उन्होंने बोला वाई आना चाहिए, जेड की पावर वाई इक्वल टू वाई आनी चाहिए, जेड की वैल्यू डाला रूट 2 और उसका पावर 2, वाई मतलब 2 तो इक्वल टू 2 आना चाहिए, क्या 2 आता है? जी हाँ आता है, अगर ये 2 नहीं आता था राइट हैंड साइड में तो अपना आंसर गलत रहता था। क्या मैं बोल रहा वो समझ में आ रहा कि मैं अकेला पागल जैसे बड़बड़ कर रहा हूं? नहीं समझ में आ रहा, समझ आया। अगर यहां पे 2 नहीं आता था मतलब रूट 2 का स्क्वायर कुछ और रहता था या यहां पे y के जगह पे कुछ और z दिया रहता था तो अपन ने जो वैल्यूज निकाली गलत थी, ये मैं अज्यूम नहीं किया, मैंने ये वैल्यूज ये क्वेश्चन को देख के निकाली है। तो भैया जो अब ये 2 आ गया ना तो मेरा आंसर सही है। अब मैं निकाल लेता हूं 4 के जगह x के जगह 4 लिखता हूं, y के जगह 2 और z के जगह रूट 2, तो मेरा आंसर आ गया 8√2 या फिर चलो ठीक है 8√2 सही आंसर, ये मेरा करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। चलो 17th क्वेश्चन आखिरी वाला करते हैं, फिर रुकते आज के लिए, मेरी दूसरी बैच है। क्वेश्चन 17 आया क्या? a का पावर x इक्वल टू b है, b का पावर y इक्वल टू c है और c का पावर z इक्वल टू a है। चिल्लर क्वेश्चन है, फाइंड x y z क्या है? कुछ नहीं, क्वेश्चन देखो a की पावर x इक्वल टू b है और यहां b की पावर y इक्वल टू c है, तो मैं क्या करता हूं b के जगह पे यहां पे ये दूसरे इक्वेशन में ये जो सेकेंड वाला इक्वेशन है उसमें वैल्यू डालता हूं b का 1 में से, तो ये देखो ये क्या बन जाएगा, b के जगह लिखता हूं a का पावर x। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अरे कोई दिक्कत है? नो सर। यस सर। ये नहीं सर। मैंने क्या किया, ये जो b का वैल्यू है ये a की पावर x ले लिया और यहां डाल दिया दूसरे में, तो a की पावर x इंटू y इक्वल टू c हो गया बराबर। अब तीसरा इक्वेशन देखो, बोलता है c का पावर z इक्वल टू a है, तो मैंने क्या किया
ये c का वैल्यू यहां पे डाल दूंगा मैं, तो c के जगह पे डाल देता हूं a का पावर x y की पावर z इक्वल्स टू a, देयरफॉर a का पावर x y z इक्वल्स टू a, ये a के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो देयरफॉर x y z इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत किसी को आपत्ति इसके अंदर तो बताइए। नहीं है। अरे सिंपल दिख रहा है, बी की वैल्यू पहले इसमें दी हुई है, पहले से उठाओ बी की वैल्यू और दूसरे में डालो, दूसरे से उठाओ सी की वैल्यू तीसरे में डालो सी के जगह पे, तो ए की पावर एक्स वाई जेड हो गई। मतलब बेसिकली मेरे को सबको ए के टर्म्स में कन्वर्ट करना था। हाँ जी, पहला क्वेश्चन बन गया क्या होमवर्क क्वेश्चन में? हाँ जी, ये पहला क्वेश्चन बन गया आपका 5/27। अब आपने क्या किया इसमें? क्या 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 किया, क्या किया? हाँ देखो, पहली बात तो ध्यान में रखना कि जो बच्चे सोच रहे हैं यहां पे इसके अंदर रूल लगाएंगे, तो यहां पे पूरे के पूरे न्यूमरेटर में रूल नहीं लगता, क्योंकि अपने पास ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। a की पावर m प्लस a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n या a की पावर m प्लस n, ऐसा अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है। अपने पास फॉर्मूला क्या है? a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n, या इसको मैं उल्टा लिखूं तो a की पावर m प्लस n इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू a की पावर n, ये फॉर्मूला है अपने पास पावर के अंदर प्लस होना। अब यहां पे जो देखोगे आप, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर पावर के अंदर प्लस नहीं है, यहां पे 3 का पावर 2n प्लस 1 प्लस 3 का पावर 2n माइनस 1 है, तो यहां पे पूरे के पूरे न्यूमरेटर को फॉर्मूला लगा नहीं सकते आप। यहां पे आप कर सकते हो 3 की पावर 2n प्लस 1, ये जो आपको दिख रहा है इसको लगाओ फॉर्मूला 3 की पावर 2n इंटू 3, एक तो ऑप्शन ये है, या फिर दूसरा ऑप्शन है n का वैल्यू 1 डाल दो, n इज इक्वल्स टू 1 डाल दो, करो तो n का वैल्यू 1 डालो, देखो आंसर आता है क्या आपका। 3 का पावर 2n प्लस 1 प्लस 3 का पावर 2n माइनस 1 अपॉन 3 का पावर 2n प्लस 3 प्लस 3 का पावर, नहीं नहीं माइनस है, ये माइनस 3 का पावर 2n प्लस 2। यहां पे अपन एक बार ट्राई करते हैं, पुट n इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 प्लस 3 का पावर 2n 2 माइनस 1 1 अपॉन 3 का पावर 2n कितना हो गया, n का वैल्यू 1 है तो मतलब 1, 2 प्लस 3 5 माइनस 3 का पावर 4, तो ये हो गया 27 और 3 30 अपॉन 3 का पावर 5 कितना आता है बेटा, 3 का पावर 5 कितना आता है? अरे बोलो रे नलायको बोलो, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, हाँ 3 की पावर 5 243 माइनस 3 की पावर 4 कितना हो गया 81, 30 अपॉन 243 माइनस 81 ये आ गया 162। इसको रिड्यूस करता हूं 15 अपॉन 81, ठीक है 5000 3 5000 3 9000 5/9 आंसर आया क्या? 5/20। अच्छा ओ सॉरी सॉरी, तो 27, ये भी तो 27 ही रहेगा ना रे, यही आंसर आया क्या आपका भी? आया। अब यहां एन का वैल्यू 1 क्यों डाला? देखो बेसिकली ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप इसमें ऊपर भी एन है नीचे भी एन है, तो अपन कुछ भी ऑपरेट करेंगे उस पे, तो जो चीज ऊपर वाले पे करेंगे सिंपल नीचे वाले पे सेम टू सेम होने वाला है, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू 1 अपन ने ऊपर भी डाला और नीचे भी डाला, तो आंसर हमेशा सेम रहेगा। इसलिए याद रखना, जहां पे ऊपर भी n दिख रहा है नीचे भी n दिख रहा है, तो n का वैल्यू 1 पुट कर दो,
एन का वैल्यू टू पुट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, बट उससे थोड़ा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन एन का वैल्यू वन डाल देंगे। किसी को कोई दिक्कत इसमें? ऐसे जहां क्वेश्चन है जहां एन ऊपर भी है नीचे भी है वहां एन का वैल्यू वन डाल के अपना आंसर बन जाएगा 5/27 ए ऑप्शन है उसका, क्वेश्चन वन। हाँ नहीं नहीं जीरो नहीं डालते साइको सर, क्योंकि जीरो हर जगह पे नहीं लगता, जीरो में बहुत सारे बार अनडिफाइंड आंसर होता है, इसलिए जीरो नहीं डालने का। क्वेश्चन टू बन गया आपसे? क्वेश्चन टू नहीं बना होगा बहुत सारे बच्चों से, क्वेश्चन टू बहुत सारे सारे बच्चों से बन गया क्या? हर एक बच्चे से नहीं बना तो बोलने का ना, फिर जिससे नहीं बना वो बोलेगा। एक भी नहीं बना तो सर फिर कुछ नहीं कर सकते, आपने ट्राई नहीं किया फिर इज्जत से। ये भी नहीं बना आपसे, ये वाला क्वेश्चन बना कि नहीं बना, सेवेंथ वाला? हाँ बना सर, हट गया सर 11.6। जिससे एक भी नहीं बना भैया, आपको बहुत बेसिक मैथ्स की जरूरत है। अब एग्जाम के अंदर एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते इतने फाड़ू फाड़ू, अब ये क्वेश्चंस इसलिए आपको इतने फाड़ू दिए हैं कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा आपको एग्जाम में कुछ नहीं पूछ सकते भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है चलो अपन दूसरे क्वेश्चन, इतना करे तो एक मार्क। नहीं नहीं भाई 95 क्वेश्चंस करने का कंपल्शन नहीं है, आप 15-20 क्वेश्चन कर लो तो भी चल जाएगा, बट वो 95 क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं अपने एंड से प्रैक्टिस के लिए। रीजन बिंग अपने को लगता कि भाई कोई एरिया ऐसा ना हो जो अनडिस्कवर्ड रहे बच्चों को। अब आप अगर पिछला पेपर देखोगे ना तो उसमें इतना चिंदी क्वेश्चंस था, ये जो 19th वाला क्वेश्चन है ना, ये 19th वाला क्वेश्चन कहां का है, ये 19th क्वेश्चन, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। नहीं ये भी नहीं आया था, इससे भी आसान आया था, इसमें भी थोड़ा ट्रिकी कैलकुलेशन है, वहां सीधी वैल्यू दी थी नीचे नीचे वालों की और आपको एक आंसर निकालना था, बताऊंगा वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, उसका भी टेंशन मत लो। ठीक है सेकंड वाला क्वेश्चन बना गया? हाँ सर। सेकंड नहीं बना, क्या किया आपने सेकंड वाले क्वेश्चन में? देखो सेकंड वाले क्वेश्चन ऐसे जब बहुत सारे ब्रैकेट्स होते हैं ना, देखो इसके अंदर कितने ब्रैकेट है, एक ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है एक ये वाला ब्रैकेट है, दूसरा ये वाला ब्रैकेट है, तीसरा ये ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट्स है, तीन बार अपने को पावर्स को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे छोटा वाला पावर ले लेता हूं, पहले क्वेश्चन लिख लेते एक बार अपन, क्वेश्चन कैसे दिख रहा है आपको, आपको जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे क्वेश्चन आप लिखोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत जाएंगी भाई। वन माइनस कर्ली ब्रैकेट, वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट की पावर माइनस वन, और ये बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट माइनस वन बाई टू, ऐसा क्वेश्चन दिया है बराबर। अब ये क्वेश्चन को आप सबसे पहले कैसे सॉल्व करोगे, सर ये जो पावर माइनस वन बाई टू है इसको डिवाइड में लिख दो, दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले आप क्या करो, छोटा ब्रैकेट ओपन करने का, ऐसा जब भी क्वेश्चन दिखता आपको सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला, इसको ओपन करेंगे अपन, लिखते चलेंगे वन माइनस कर्ली ब्रैकेट वन माइनस, अब ये ब्रैकेट को देखो ध्यान से, वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन है, तो क्या मैं इसको वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, ठीक है ना, फिर ये ब्रैकेट कर दिया मैंने क्लोज। अब ये इसके अंदर ये वाली पूरी चीज यहां पे ऐसे लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज करके माइनस वन पावर अभी भी बाकी है, माइनस वन बाई टू पावर अभी भी बाकी है, ठीक है। फिर अब इसको ये ब्रैकेट को अंदर ऑपरेट करूंगा, यहां पे ये हो जाएगा वन माइनस अंडर कर्ली ब्रैकेट, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर इधर चले जाएंगे, यहां पे वन माइनस एक्स स्क्वायर ये यहां पे चले जाएगा, माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन की पावर माइनस वन बाई टू।
अब ये आपको समझा तो आपका मैथ्स जो बेसिक है वो ठीक ठाक है, अगर ये भी आपको नहीं समझा तो आपका बेसिक बहुत गया बीता है, आपको सीरियसली बेसिक मैथमेटिक्स करना पड़ता। ठीक है, अब सर बेसिक मैथमेटिक्स करवाओ भैया, 120 घंटे के अंदर मैं बेसिक मैथमेटिक्स नहीं करवा सकता। हाँ, तो अब क्या करेंगे, वन माइनस अंडर रूट, ये प्लस वन माइनस वन कैंसल, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन, माइनस वन बाई टू, ऐसा आ गया बराबर। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये वापस छोटा वाला ब्रैकेट है जिसकी पावर माइनस वन है उसको ओपन करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा वन माइनस, अब ये पावर माइनस वन है, अपने को प्लस वन करना है, क्या करेंगे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा ऐसा बन जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस वन बाई टू, इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इधर जाएगा ये प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, बताएंगे एक बार, देखो इसको ध्यान से, ये माइनस है, ये माइनस है, टू निगेटिव मेक्स अ पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा प्लस, तो इसको नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर माइनस वन बाय टू। ठीक है, तो ये अभी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर माइनस वन बाय टू, डिचिंग डिचिंग कट गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन बाय टू, तो ये माइनस है तो पावर चेंज करनी है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, एक्स स्क्वायर की पावर प्लस वन बाई टू, एक्स स्क्वायर की पावर इंटू वन बाई टू, आंसर आ गया आपका x, आया क्या, ये टू टू कट जाएगा, ये टू कट गया, x आंसर आएगा। अब सुनो, जिन बच्चों का नहीं बनाऊंगा, मैंने आपको एक सॉल्यूशन बताया, एक तरीका बताया, घर पे जाके खुद से ट्राई करना, बाद में नहीं बना तो जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलने वाला है उसमें से जाके वापस से इसको कॉपी डाउन करना, अभी कॉपी डाउन मत करो, अगर अभी कॉपी डाउन करोगे तो बहुत दिक्कत जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये बन गया क्या, इसमें बराबर कितने बच्चों का नहीं बना मेरे को बताएंगे एक बार, अरे बताओ जल्दी जिनका नहीं बना, क्वेश्चन थ्री सॉल्व करते अपन, एक्स की पावर एन ब्रैकेट ओपन एन माइनस वन बाय एन बड़ा वाला करली ब्रैकेट वन अपॉन एन प्लस वन ऐसा दिया है, तो क्या करोगे, एक्स की पावर एन ये पावर्स को कर लेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन बाय एन और ये हो जाएगा वन अपॉन एन प्लस वन, तो यहाँ पे रूल लगा देंगे कौन सा, ए की पावर एम की पावर एन इज इक्वल्स टू ए की पावर एम एन, तो सारी पावर्स हो जाएंगी x की पावर n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन इंटू वन बाय एन, सारी पावर्स हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो ये n कट गया, ये एन स्क्वायर माइनस वन को अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन बराबर अपॉन एन प्लस वन, ये डिचिंग आंसर आ गया x की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन करो, छापो ये आंसर, छाप लो, जादू होता है तू जो मिले तब सुने। ऋषभ आ गया था क्या आपका आंसर, ये राजकुमार भंग आ गया था आंसर, रुशिल शर्मा
ये नहीं आया था तो बोलने का ना बाबू। माधव राठी सर बाइक पे की डीपी तो जबरदस्त है आपकी। अरे माधव भैया बाइक पे की डीपी अच्छी है बोला आपकी। अच्छा ऐसा है क्या मालूम है इसलिए लगा ऐसा ही बात है। विशाल वर्मा आंसर आया था क्या? यस सर। कृष्णा आ गया था आंसर? श्रुति मनीष साईराम हर्षित आ गया ठीक है आ गया था गुड। भाई नहीं आया तो पूछने का शर्माने का नहीं। अब इसका बोलो आंसर जीरो आएगा बराबर सर नहीं आया सर वो मालूम है सर कराएंगे सर। क्वेश्चन फोर्थ एक्स की पावर क्या था? बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। तो उन्होंने पूछा है देन बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड इज इक्वल्स टू कितना आएगा? अब जिसको ये क्वेश्चन नहीं बना उनको एक थ्योरी ऑफ इक्वालिटी होती है वो पता नहीं है। एक थियरी ऑफ इक्वालिटी करके आपने पढ़ा होगा। अगर तीन नंबर्स कॉमन है या कांस्टेंट है या सेम है तीन नंबर्स सेम है। यहां पे तीन नंबर्स कौन से हो गए? ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर ये तीसरा नंबर। जहां ऐसे तीन नंबर सेम दिए ना उसको इज इक्वल्स टू के मान लो। थियरी ऑफ कांस्टेंट के क्या है? वेयर के इज एनी कांस्टेंट कोई कांस्टेंट है। नंबर क्या है क्या है ये सोचना नहीं है आपको। अब आप क्या करोगे इसको मान लोगे दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस देयर फोर एक्स अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू के। ये इक्वेशन वन है। वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू के ये इक्वेशन टू है। और इक्वेशन थ्री आएगा अपना जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू के ठीक है। ये इक्वेशन थ्री है। अब यहां आपको देखो क्या पूछा है। आप पूछा क्या है ये देखो पहले एक बार ये समझो। आपको पूछा है बी माइनस सी इंटू एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास? तो एक्स की वैल्यू कहां से निकालोगे आप? एक्स की वैल्यू निकालोगे आप इक्वेशन वन में से। एक्स इक्वल टू कितना आएगा? एक्स इक्वल टू k into b plus c minus a, y equals to k into c plus a minus b, or z equals to k into a plus b minus c, ठीक है? ये तीनों values आ गई। अरे तीनों values कैसे ही समझा क्या? अपन ने क्या किया? अपने को तीन चीजें उनने same दिया था। अपन ने is equals to k ले लिया। याद रखना जब भी ये ऐसे तीन चीजें सेम दी रहेंगी इक्वल दी रहेंगी तो इक्वल टू के लेना है। और फिर जो आंसर पूछा है उसके अंदर कोई एक ऐसी चीज होंगी जो हम यहां से निकाल सकते। जैसे अपने केस में एक्स वाई और जेड का वैल्यू था ये अपने को पता नहीं था तो अपन क्या करेंगे ये तीनों को इक्वल टू के से इक्वेट कर देंगे। अब ए इक्वल टू के ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू के है तो ऑब्वियस सी बात है ए इक्वल टू के होगा बी इक्वल टू के होगा सी इक्वल टू के होगा। तो इसको तीनों को इंडिविजुअली इक्वेशन में पुट कर दिया x का वैल्यू निकाल लिया y का वैल्यू निकाल लिया z का वैल्यू निकाल लिया। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर तो देखो क्या था अपना क्वेश्चन क्या पूछा था b माइनस सी इंटू एक्स था। x के जगह मैं डाल देता हूं k इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए इंटू वाई था। y के जगह मैं डाल देता हूं k इंटू सी प्लस ए माइनस बी और z का वैल्यू था a माइनस बी इंटू जेड था। जेड की जगह मैं डाल देता हूं के इंटू ए प्लस बी माइनस सी।
तो अब देखो इसको करो मल्टीप्लाई, तो ये देखो ये b माइनस सी था, ये b प्लस सी था, तो ये हो जाएगा बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, माइनस ये b माइनस सी को माइनस a से मल्टीप्लाई करो तो माइनस बी ए प्लस सी ए इंटू के, हर चीज को k से मल्टीप्लाई करना, सब कुछ कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा और बचेगा जीरो, सब कुछ कट जाएगा। हां जी करें क्या? अब सर हमको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, दिक्कत वाली बात है। क्या बोले? अब फटाफट एग्जाम में करने की बात ही नहीं है, दिख गया मेरे को क्वेश्चन, दिख गया देखो यहां पे एग्जाम में करने के लिए, एग्जाम में इतना करेंगे नहीं, एग्जाम में दिख जाएगा। देखो b माइनस सी है, x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी आने वाली है यहां पे, इधर राइट हैंड साइड में अपने k है, यहां पे देखो राइट हैंड साइड में k है, अब यहां राइट हैंड साइड में k है तो x की वैल्यू आने वाली k * b + c - a, अब यहां b माइनस सी है, यहां पे b + c है, तो ऑब्वियस ही बात है बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बनने वाला है। अब y की वैल्यू देखो, यहां पे c - a है और इधर y की वैल्यू है c + a - b, तो ये बनने वाला है c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, और ये z वाला थर्ड वाला जो टर्म है ये बनने वाला है a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, तो एक जगह पे a स्क्वेयर प्लस में, एक जगह पे माइनस में, यहां पहले वाले इसमें देखना b स्क्वेयर माइनस c स्क्वेयर है, यहां पे देखोगे c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर है, तो एक माइनस c स्क्वेयर से दूसरा माइनस c स्क्वेयर कट गया, एक माइनस b स्क्वेयर से दूसरा प्लस b स्क्वेयर कट गया, और एक b स्क्वेयर से a स्क्वेयर से दूसरा माइनस a स्क्वेयर कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, आंसर डायरेक्टली जीरो आएगा, आप डायरेक्टली आंसर एग्जाम में जीरो लग के आ जाना, आपका आंसर बन जाएगा। क्या? नहीं नहीं वही रफ करना पड़ता, अरे यार अभी नहीं मिलता तो मैं क्या कर सकता, वहां स्पेस दी रही थी फॉर रफ वर्क। हाँ ठीक है, अब ये सब कुछ कर लेना तो आपका कट जाएगा, आंसर जीरो आ जाएगा, सब कुछ करके बता दूं एक बार। चलो ठीक है, प्लस मैं के को है ना, देखो एक काम करता हूं, यहां पे के को कॉमन ले लेता हूं, के यहां पे भी है, यहां पे भी के है, यहां पे भी के है, यहां पे भी के है, के को कॉमन ले लिया, अब इनको ऑपरेट कर रहा हूं मैं, b माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है ब्रैकेट क्लोज, k इंटू बी स्क्वेयर, ये b को पहले काम करता हूं, अब जिसको ये नहीं समझता उसने ये सोचना कि ये b को ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वेयर माइनस सॉरी प्लस बी सी, देखो इससे पूरे इसको मल्टीप्लाई कर रहा, माइनस ए बी माइनस, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन करना है सी का इससे, तो ये हो जाएगा माइनस बी सी माइनस सी स्क्वेयर प्लस ए सी। कोई दिक्कत किसी को इसमें? यहां पे मेरे को बताओ, यहां पे किसी को दिक्कत है तो बताइए जल्दी प्लीज। प्लस अब ये दूसरे वाले को करता हूं तो ये हो जाएगा सी स्क्वेयर प्लस ए सी, ये सी से मैं पूरे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस बी सी माइनस, अब ये a से पूरे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस a से माइनस ए सी माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस, अब ये a से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरे वाले इसको, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस ए सी, अब माइनस b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ये सबको, तो माइनस ए बी माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी सी। हाँ जी समझ में आया क्या साईराम?
बेटा ये माइनस बी को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ये वाला लास्ट स्टेप बताओ मेरे को, ये प्लस बी सी कैसे आया? माइनस बी इंटू माइनस सी हो गया सर प्लस बी सी, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, देखो यहां प्लस बी स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर है, अब एक माइनस बी स्क्वायर है, प्लस बी सी है, माइनस बी सी है, माइनस ए बी है, तो यहां प्लस ए बी है, ये माइनस सी स्क्वायर है, प्लस सी स्क्वायर है, ये प्लस ए सी है, एक और माइनस ए सी होगा, माइनस ए सी है, ये प्लस ए सी है, ये माइनस ए सी है, ये माइनस बी सी है, तो एक प्लस बी सी होगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस ए बी है, तो एक माइनस ए बी होगा, सब कट गया, तो बचा क्या? कुछ नहीं, जीरो, के इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलो आगे, जिनने नहीं लिखा होगा वो छाप ले इसको प्लीज। अरे भाई ऐसे अगर सारी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो फिर तो 10 दिन इंडाइसेस को लग जाएंगे, हर बच्चे को एक 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 सम नहीं आया, सबको एक एक करके समझाओ क्या? पांचवा क्वेश्चन है, आया सर, पांचवा क्वेश्चन किस बच्चे को नहीं आया प्लीज बताइए? फिफ्थ आ गया ना? हाँ सर। क्या है आंसर फिफ्थ का आंसर? ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी है, जिसने बचपन में a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा है उसको आ गया होगा, नहीं आया होगा तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा, वो देख लेना आप। क्वेश्चन सिक्स बन गया, यहां पे इक्वल्स टू के लेना है। क्वेश्चन सिक्स देखो, क्वेश्चन सिक्स देखो एक बार, एक्स की पावर वन बाई पी इक्वल्स टू वाई की पावर वन बाई क्यू इक्वल्स टू जेड की पावर वन बाय आर एंड एक्स वाई जेड इक्वल्स टू वन दिया है, तो पी क्यू आर का वैल्यू पूछा है, तो अपन क्या करेंगे, तीनों चीजें हैं तो इक्वल्स टू के ले लेंगे यहां पे से, जैसे ऊपर किया है एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए अपने को, क्योंकि एक्स की वैल्यू मिलेंगी, वाई की वैल्यू मिलेंगी, जेड की वैल्यू मिलेंगी, तीनों वैल्यूज पुट ऑन कर देंगे ये गिवन चीज में, तो अपना आंसर बन जाएगा। अब देखो कभी कभी आपको एग्जाम के अंदर या हमेशा आपको एग्जाम के अंदर एक कंडीशन दी हुई रहेंगी, जो कि ये यहां पे कंडीशन दी हुई है, और एक गिवन चीज रहती है, जैसे यहां पे एक्स वाई जेड इक्वल टू वन है ये दिया है, तो आपको क्या करना है, ये कंडीशंस में से कुछ चीजें निकालने की है, और वो कंडीशन ये जो दिया हुआ है उसमें पुट ऑन करने की है, तो आपका आंसर अपने आप बन जाएगा। अब देखो तीन चीजें इक्वल है, पहला इक्वेशन बनेगा एक्स की पावर वन बाई पी इक्वल टू के, ठीक है, दूसरा बनेगा वाई की पावर वन बाई क्यू इक्वल टू के, और तीसरा बनेगा जेड की पावर वन बाय आर इक्वल टू के। किसी को दिक्कत कोई इसमें? अब क्या करूंगा मैं, दोनों साइड में पी का पावर लूंगा, मेरे को वैल्यू का होना, मेरे को वैल्यू होना एक्स का, पर यहां पे एक्स की पावर वन बाई पी का वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, ये एक्स की पावर वन बाई पी को पावर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, या फिर इसको बोलो पी एथ पावर लूंगा एक्स की पावर वन बाई पी का, क्योंकि मेरे को एक्स की पावर वन होना, तो वन बाई पी है, तो मैं क्या करूंगा पावर को पी से मल्टीप्लाई करूंगा। अब अगर x की पावर को p से मल्टीप्लाई किया तो k की पावर को भी p से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो k बुरा मान जाएगा, समझ रहे हो बात को? तो ये हो जाएगा, तो ये p ऊपर वाला नीचे वाला कट गया, x equals to k की पावर p, सिमिलरली y की पावर 1 by q है, पावर को इसकी लूंगा qth पावर k की पावर q, y equals to k की पावर q, और सिमिलरली आ जाएगा z की पावर 1 by r की पावर r इज इक्वल टू k का पावर r, तो z इक्वल टू k का पावर r आ गया। अब क्या करूंगा, x y z की वैल्यू मिल गई, ये पुट कर दूंगा ऊपर में, तो ये हो जाएगा मेरा x y z इक्वल टू 1, देयरफॉर x के जगह पे k की पावर p इंटू k की पावर q इंटू k का पावर r इक्वल टू 1, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, एड के की पावर पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू वन। अब वन कब आता है,
राइट हैंड साइड में एनी नंबर, वी नो दैट एनी नंबर टू दी पावर जीरो इक्वल्स टू वन, देयर फोर पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू जीरो। अब जिस बच्चे ने नहीं किया था उसको क्या नहीं आया था भाई बताओ मेरे को इसमें। हाँ जी, क्या नहीं आया था आपको इसमें? कितने बच्चों का ये आया था प्लीज मेरे को मैसेज में करके बताइए, आपका आया था नहीं आया था? सब क्या आ गए थे? चलो ठीक है, क्वेश्चन सेवन बताओ। चलो क्वेश्चन सेवन में क्या किया आपने? 11/96 बराबर आंसर है, इक्वल्स टू के लेके, हाँ हाँ वो भी कर सकते हो, 2 की पावर 3c बराबर। तो यहां से आपको एबीसी के बीच का रिलेशन मिल जाएगा बराबर। आप क्या करोगे यहां पे देखो मैं बताता हूं आपको, ये 2 का पावर 2a है, ये 4 है, 4 को लिखोगे आप 2 की पावर 2 और ये बी ऑलरेडी है, 8 को लिखोगे 2 की पावर 3 और सी ऑलरेडी है, और यहां पे 2 का पावर a, बेसिस सेम है, नंबर सेम है, देयर फोर आपका हो जाएगा a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c। अब यार इक्वल टू k ले लो या कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, इक्वल टू k ले लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ यहां देखो ना, यहां b का वैल्यू जो है यहां पे ये a के टर्म्स में डाल दो, और c का वैल्यू है वो भी a के टर्म्स में डाल दो, a का वैल्यू जो है वो a ही रहन दो, यहां जो b का वैल्यू है b को लिख सकता हूं मैं a बाय टू, a इक्वल्स टू 2b है तो मैं देयरफॉर लिख सकता हूं a बाय टू इक्वल्स टू b, तो b के जगह डाल दूंगा यहां पे a बाय टू, और इधर c के जगह डाल दूंगा a बाय थ्री, तो ये हो जाएगा a इंटू ए बाई टू इंटू ए बाई थ्री इक्वल्स टू 288 बराबर। तो इससे आपका a क्यूब का वैल्यू आ जाएगा और a का वैल्यू आ जाएगा, ऐसी वैल्यू निकालना b का, ऐसी वैल्यू निकालना c का, सिंपल है भाई। या फिर दूसरा अल्टरनेटिव आपको वो नहीं करना तो आप क्या करो, ये देखो इधर देखो, ये आपका आंसर आ गया ना, टू ए तो ठीक है, टू ए तो वैसे का वैसे है, a का वैल्यू आपका क्या आया, a का वैल्यू कितना है बेटा? a का वैल्यू है आपका 12 बराबर, तो 1/2a। 4b को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2, अरे ये 4b है तो 4b को क्या लिखूंगा, b का वैल्यू कितना आया, बिक्स, और c का वैल्यू 4। ये वैल्यूज आ जाएंगे आपके a b c के, और फिर ये वैल्यूज उठा के यहां पे पटक दो, यहां पे पटक दो तो आपका आंसर आ जाएगा 11/96। जिसको नहीं आया उसको सॉल्यूशन सीट मिल जाएगा, वो देख लेना ठीक है। यहां वाले केस में आपको सेम टू सेम वो करना है जो मैंने अभी पावर को किया है, ये वाले क्वेश्चन में सिक्स वाले इक्वल्स टू के लेके करना, आपका आंसर आ जाएगा 0 ठीक है। ये आइडेंटिटी है पूरी की पूरी, देखो सुनो, ये आंसर नहीं है ये आंसर है, इसमें एक शॉर्टकट ट्रिक लिख लो, अगर x का वैल्यू ऐसे 1/3 में दिया है ना, अगर आपको दिया है x इक्वल टू पी की पावर 1/3 माइनस पी की पावर -1/3 या ये प्लस भी दिया है, तो मैं आपको बताता हूं आपका आंसर वुड बी, हमेशा याद रखना, एक्स क्यूब प्लस 3x रहा तो आंसर आएगा पी माइनस 1/p एंड एक्स क्यूब माइनस 3x रहा तो आंसर आएगा पी प्लस 1/p। ये ट्रिक है, बुक के ऊपर वाले पन्ने पे लिख दो, कब काम आएगा मैं बताता हूं। एक्स क्यूब प्लस 3x की वैल्यू पूछा है तो
तो वो आएगा p प्लस वन बाई माइनस वन बाई पी। ये देखो यहां पे प्लस है इधर प्लस है तो इधर माइनस, और इधर माइनस है तो इधर प्लस। और ये क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत काम आते हैं ये वैल्यू। ये ट्रिक देखो, जब भी x ऐसे फॉर्म में रहेगा तो आपको अगर पूछा जाएगा x क्यूब प्लस 3x तो आप लिखोगे p माइनस 1 बाई पी, और x क्यूब माइनस 3x पूछा है तो आप लिखोगे p प्लस 1 बाई पी आंसर आएगा। अब इसके न्यूमरिकल्स भी बनते हैं जो कि नीचे दिए हुए, वो सॉल्व करवाता हूं। ये याद रख लो x क्यूब प्लस 3x की वैल्यू। अब कभी कभी क्या होता है आपको, आपको डायरेक्टली x क्यूब प्लस 3x नहीं पूछते, आपको वो x क्यूब प्लस 3x नहीं पूछते, आपको वो पूछेंगे 5x क्यूब प्लस 15x, 5x क्यूब प्लस 15x। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल है सर, 5 कॉमन ले लो, x क्यूब प्लस 3x है तो आपका आंसर क्या रहेगा, 5 इंटू p माइनस 1 बाई पी। बेटा आवाज मत करो, p माइनस 1 बाई पी। ये इसको सिंप्लीफाई करना है। अब क्या बोल रहा हूं, x क्यूब प्लस 3x, तो देखो ये क्वेश्चन है, ये दिया है, ये टेंथ वाला क्वेश्चन आपको दिया है। यहां पे p का वैल्यू क्या है, x इक्वल टू, देखो अपन ने यहां पे क्या बताया मैंने आपको, x इक्वल टू p की पावर 1 बाई 3 माइनस p की पावर माइनस 1 बाई 3। ये प्लस हो ये माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये p की वैल्यू आपको ढूंढने गई है। p अपने क्वेश्चन में p की वैल्यू कितनी है, यहां पे 3 है, यहां पे p की वैल्यू कितनी है, अरे देखो ना इसको, x इक्वल टू ऐसा दिया है तो p का वैल्यू कितना है, 3 है। अब पूछा क्या है इन्होंने, 3x क्यूब माइनस 9x, तो पहले इसको अपन रिड्यूस करते हैं, ये हो गया 3 इंटू x क्यूब माइनस 3x बराबर, अरे आओ कि नहीं आओ, और इसका वैल्यू क्या, इसका आंसर क्या था, p प्लस 1 बाई पी, 3 इंटू पी प्लस 1 बाई पी, और p अपना कितना है, अपना p है 3, अपना p है 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 बाई 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 बाई 3, ये 3 कट गया, आंसर आ जाएगा 10। आप लो, और ये हमेशा काम आएगा, यहां आपको पूछा 3x क्यूब माइनस 9x पूछा है, अगर वो पूछते थे आपको 3x क्यूब प्लस 9x तो आप क्या करते थे, p माइनस 1 बाई पी वाला फॉर्मूला लगाते थे और आपका आंसर आ जाता था 8 शायद, आओ 8 आता था। इलेवेंथ वाला तो आएगा, कुछ नहीं है उसमें, डेसिमल्स का खेल है, डेसिमल का खेल है, जिनका नहीं बना उनने आंसर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे भी k लेके सॉल्व करना है, ये 10 का पावर 10 इंटू जेड नहीं है, ये 10 का पावर z है, हाँ 10 का पावर z होना, हाँ जी b आंसर आएगा, पहले का आंसर 10 आएगा। ये देखो ये बहुत हाई लेवल वाले क्वेश्चंस है, ये एग्जाम में पूछेंगे, इसकी संभावना है बहुत कम है, बहुत चिल्लर पेपर आते हैं, बट फिर भी मैं करवा रहा हूं क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कुछ कम ज्यादा बचा रह जाए बच्चों में, ठीक है। ट्वेल्थ वाला देखोगे आप, ट्वेल्थ वाला x इक्वल टू a की वैल्यू आएगा, सुनो ये है ना अंडर रूट टू कितने इनफाइनाइट टाइम्स है, तो ये चीज को जब आप देखोगे ना, ये जो इनफाइनाइट टाइम्स है ये खुद भी एक एक्स बन जाता है, तो इसको पूरे के पूरे को एक्स मान लो, काई को ये पूरा का पूरा, क्यों, क्योंकि रूट टू एक ही बार कम हुआ ना, इनफाइनाइट टाइम्स है। अब बताओ इनफाइनाइट टाइम्स मतलब समुंदर है, समुंदर में से एक बकेट पानी कम किया तो पानी कम होता क्या समुंदर में से, ऐसा बोलोगे क्या, समुंदर माइनस एक बकेट नहीं, समुंदर भी एक बकेट निकालने के बाद भी समुंदर रहता, तो ये माइनस रूट टू निकालने के बाद भी ये बचा हुआ जो है वो एक्स ही रहेगा, तो अपन इसको कर देंगे एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट टू माइनस एक्स। अब इसको इंप्लाई कर लो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। अब आप बोलोगे x का वैल्यू प्लस टू भी सेटिस्फाई कर रहा, माइनस टू भी सेटिस्फाई कर रहा, बराबर,
अब देखो ना, x का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 माइनस 2 माइनस 2 आंसर सेटिस्फाई करता, सिर्फ माइनस 2 आंसर आएगा। कितने दो वैल्यू किसके है भैया? x इक्वल्स टू 2 डालोगे तो क्या आएगा? 4 प्लस 2 6 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2, ये जीरो नहीं आता, x इक्वल्स टू 2 आंसर नहीं हो सकता। अगर आप मेथड से सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू 2 भी आ सकता शायद, बट आपका आंसर नहीं आएगा, x इक्वल्स टू 2 सेटिस्फाई नहीं करता। माइनस 2 डालोगे ही कहा रूट है भाई? ए भाई भाई रुक रुक रुक, ये रूट नहीं है, ये पूरे के पूरे x की वैल्यू ऐसी है। रूट x की वैल्यू नहीं पूछी आपको, रूट ए बेटा बेटा रुक जा रुक जा रुक जा, रूट x की वैल्यू नहीं पूछी है जो निगेटिव में नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू माइनस आती है, सेटिस्फाई करता है। देखो माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, आंसर आ जाएगा माइनस 2, फाइनल आंसर है। ठीक है, प्लस 2 आंसर नहीं बन सकता उसका। अब जो आप बोलना चाह रहे हो कि सर रूट की वैल्यू निगेटिव नहीं होती, मेरे को पता है, बट यहाँ पे x का वैल्यू x थोड़ी है रूट, रूट x थोड़ी पूछा है, अरे x का वैल्यू रूट में है। अब ये तो निगेटिव हो सकता ना पूरा का पूरा, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टू आंसर लाओ, सेटिस्फाई करो, बताओ मेरे को इक्वेशन को सेटिस्फाई करके। टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड करोगे आप, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स आएगा बराबर। अब इससे जो इक्वेशन बन रहा है ये वाला, इसमें आप 2 की वैल्यू डालो और सेटिस्फाई करके बताओ। तो ये देखो 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 माइनस 2 इक्वल टू आता है 4, जबकि अपने को 0 आना चाहिए। तो प्लस 2 सेटिस्फाई नहीं करता सर, प्लस 2 इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, यही तो दिक्कत है और यही मार खा जाते। आंसर में क्वेश्चन में प्लस 2 भी दिया है माइनस 2 भी दिया है और रूट दिया है, बच्चों को दिख रहा है और बच्चे को बचपन से यही रटवाया गया है कि बेटा रूट की वैल्यू निगेटिव नहीं रहती, रूट की वैल्यू निगेटिव नहीं रहती। बच्चा प्लस 2 लिखता वहां पे और उसकी हो जाती गलत, क्योंकि आंसर है भैया माइनस 2। क्या वन? देखो उसको सॉल्व करो आप, आंसर क्या आएगा वो देख लो आप। वन आंसर आ रहा है पूरा, आप उसको इक्वेशन वाइज सॉल्व करो। मैं अभी बच्चों को इक्वेशन नहीं पढ़ाया और आपकी हालत बहुत गंभीर है ये चीज में, क्योंकि मेरे को नहीं लगता बच्चों को इक्वेशन भी आता होगा नॉर्मल सा। हाँ वो बराबर है ना, कर रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है मेरे को मालूम है। पहले इक्वेशन वाइज करो, नहीं ऐसा सॉल्यूशन नहीं दिया जाएगा, माइनस टू या प्लस टू दिया जाएगा, वन नहीं दिया जाएगा। और अगर वन दिया है तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन रहेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो सेम के लेके करना है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेटा, ये के लेके करना है, ये के लेके करना है, ये के लेके करना है, ये भी के लेके करना है। ये जो दिया है ये वो क्या पूछा है, पी p प्लस वन बाई पी, तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी x क्यूब माइनस प्लस 3x पूछा है ना, तो इसका फॉर्मूला आएगा 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x, ये पूछा है उन्होंने, तो अपना आंसर आ जाएगा 5 इंटू पी माइनस वन बाई पी। पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे दिख रहा है 5 है, 5 इंटू 5 माइनस 1 बाई 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 24 बाई 5, माइनस 15x होना चाहिए, माइनस 15x रहा तो ये प्लस हो जाता, ये प्लस हो जाता, ये हो जाता 26 बाय 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 26। और अगर यहाँ पे प्लस ही पूछा है, अगर प्लस ही है 5x क्यूब प्लस 15x है, तो उसका आंसर आएगा 24। जैसे जो जब पूछेंगे वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है हां जी, ये तो सिंप्लीफाई करना है, इसको ऊपर नीचे खेलो, यहां पे ये भी बन जाएगा आपसे,
ये जो सेवेंथ वाला क्वेश्चन है ये करो, अगर ये नहीं आया तो मेरे को पूछना कल क्लास के अंदर। नहीं आया ना, यहां देखो हिंट दिया है, पुट ए इक्वल टू फोर बी इक्वल टू टू। क्यों? अब देखो ना, आपको ऐसा कोई नंबर होना जो ये सेटिस्फाई करे, ए की पावर बी इज इक्वल टू बी की पावर ए, ऐसा कौन सा नंबर है? तो सर हमको ये पता है कि 4 का स्क्वायर कितना होता, 16, और इज इक्वल टू 2 की पावर 4 भी 16 होता है। लिख सकता हूं मैं, देयर फोर ए इक्वल टू 4 बी इक्वल टू 2। आओ क्या? आओ सर। अरे मेरे को दो ऐसे नंबर ढूंढने जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एक नंबर का जो बेस है और पावर है, वही दूसरे नंबर की, इसका बेस दूसरे नंबर की पावर है। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो बेस है ये दूसरे नंबर की पावर है, और पहले नंबर का जो पावर है वो दूसरे नंबर का बेस है। तो हमको एक ही चीज पता है, 4 का स्क्वायर 16 होता और 2 की पावर 4 भी 16 होता। तो मैंने ए की वैल्यू लिख दिया 4, बी का वैल्यू लिख दिया 2, और ये निकाल के कर लो तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। उसके अलावा ये क्वेश्चन बन नहीं सकता आपसे। ये 19th वाला क्वेश्चन देखो एक बार, इसका दिया नहीं है। नाइनटीन्थ वाला क्वेश्चन बन गया क्या? क्या आंसर आया? एनी वैल्यू? ये देखो तीन चीजें इक्वल दी है, पहले लिखोगे 3/4 इक्वल टू 6/x, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 6 × 4/3, 2000, x की वैल्यू आ जाएंगी 8, ठीक है। फिर इसको से इक्वेट कर देना तो 3/4 इक्वल टू 9/y, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 9 × 4, y इक्वल टू 9 × 4/3, 1000 3000, ये हो गया 12, x की वैल्यू है 8, y की वैल्यू है 12, x प्लस y आ जाएगा 20। जय श्री राम। 20 क्वेश्चन में लिख गलत दिया था, तो क्वेश्चन गलत है सर। चलो 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 ठीक है, अरे करवाता हूँ यार। अरे वो ऐसा नहीं है, वो क्वेश्चन ऐसा है, x की पावर m की पावर n इज इक्वल टू x की पावर mn, ये दिया है, एंड n इक्वल टू 3। तो ये यहां से आ जाएगा m की पावर n इज इक्वल टू mn, ऐसा मेरा मकसद ये था ये डालने का, m की पावर mn इक्वल टू m की mn करना है, m क्यूब। अरे बट वगैरह क्या रहता है भाई, मैंने एक क्वेश्चन बनाया, मेरे को मालूम क्या इंटेंशन है। 3, ये इसका आंसर हो जाएगा 3 की पावर n 3 है, √3 होगा m into 3। अरे रुक जा भाई, m क्यूब इक्वल टू 3m, m into m square equals to 3m, ये m कट गया, m square equals to 3, m equals to root 3। सर जो पहले क्वेश्चन दिए ना वही बराबर है सर, उसमें ब्रैकेट नहीं लगाना सर, यही बराबर है, ब्रैकेट लगा दिए तो आंसर बदल जाता सर। m power n को m n, भाई इसमें क्या बोला आपको? देखो अभी ऐसा है तो वैसा है, ये क्वेश्चन ऐसा है और ये क्वेश्चन हमने डाले हुआ है, तो हमको मालूम है हमने क्या सोच के डाले हुआ है। मेरे को अरे कौन सा एनी वैल्यू कब, अरे बात बताओ, एनी वैल्यू कितना नॉनसेंस चीज है, एन कैन बी एनी वैल्यू, और एनी वैल्यू कोई पूछना चाहेगा क्या आपसे बेटा? ये नहीं नहीं नहीं, देखो ये चीज ऐसी है और आप इसको ये कर सकते क्या, ये जांचना चाहते थे, ठीक है। m क्यूब इक्वल टू 3m दिया है तो m इंटू एम स्क्वायर है, यहाँ का एक m यहाँ के m से कट गया तो ये बच गया m स्क्वायर,
m स्क्वायर इक्वल्स टू 3 m इक्वल्स टू रूट 2 फाइनल बात एक मिनट बेटा ये लो ये इसको ऐसा लिख दिया ठीक है अरे वो अभी x की पावर m की पावर n ठीक है खुश अरे भाई वो कंप्यूटर में वैसे टाइप होता मेरे हाथ से तो टाइप करा नहीं मैंने क्लियर है इसका आंसर आएगा रूट थ्री 100 बार अब सर ऐसा रहा तो अब जो एग्जाम में जैसा दिया है वैसा ये क्वेश्चन की नजाकत यह समझना एक बात याद रखना पेपर के अंदर अपनी होशियारियां बताने से अच्छा पूछने वाले की भावनाएं समझो क्योंकि तुमको क्या लगता है इससे मार्क नहीं आता आगे वाला क्या सोच के पूछ रहा है ये समझना ही मार्क दिलाएगा ठीक है